Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी Agilus Diagnostics, खुद को टेस्ट करते रहो। 5 सितंबर 2017, बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्याकांड आपको याद होगा। अब गौरी लंकेश की हत्या के दो मुख्य आरोपियों को जमानत दे दिया गया। न सिर्फ जमानत मिला बल्कि उन दोनों का स्वागत भी जोरदार तरीके से किया गया। उन दोनों आरोपियों को विजयपुरा के एक देवी मंदिर में लोगों ने माला पहनाकर खूब स्वागत किया। बेंगलुरु के सेशन कोर्ट ने 9 अक्टूबर को परशुराम बागमोरे और मनोहर को जमानत दे दी, जिसके बाद 11 अक्टूबर को जेल से उसे रिहा कर दिया गया। ये सभी लोग पिछले 6 सालों से जेल में बंद थे। जैसे ही परशुराम बागमोरे और मनोहर यादव जमानत पर निकले तो कुछ हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास ले जाकर भगवा शाल और माला पहनाकर सनातन धर्म की परंपरा के साथ जयकारे लगाए और साथ में उनका स्वागत भी किया। 5 सितंबर 2017 को बेंगलुरु में उनके घर के बाहर 3 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और उनके हत्या के बाद पूरे देश में व्यापक निंदा हुई थी। दिसंबर 2023 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपियों की सुनवाई में तेजी के लिए विशेष अदालत की स्थापना का निर्देश भी दिया था। इस मामले की जांच बेंगलुरु पुलिस की स्पेशल SIT टीम कर रही थी। SIT ने अपनी जांच में बताया कि गौरी लंकेश की हत्या के तार नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद के साथ भी मिले थे, कलबुर्गी के साथ भी जुड़े थे। आरोपी परशुराम बागमोरे की अगर बात करें तो बागमोरे एक बॉडी बिल्डर हैं, इसलिए उन्हें बिल्डर के नाम से भी जाना जाता है। परशुराम बागमोरे के इतिहास को देखें तो उसके अनुसार से उसके जीवन में कई सारी चीजें ऐसी हुई थी जिसके कारण उसके दिल में नफरत के भाव उत्पन्न हुआ। जैसे कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक 14 साल के लड़के के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद लड़के ने आत्महत्या कर ली। इस पर उन्होंने कहा कि अपने धर्म से लड़ने के लिए संकल्पित हो गए और फिर बागमोरे पर कई मामले दर्ज हुए, लेकिन वो धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। बाद में कई केस भी हैं और सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर। गौरी लंकेश केस का मास्टरमाइंड अमोल काले एक ऐसा व्यक्ति है जो इंजीनियर है और हिंदुत्व कार्यकर्ता भी है। आरोपी एक दूसरे से मुलाकात 2010 में किए थे, इसके बाद लगातार मिलते रहे। 2016 में गौरी लंकेश के मर्डर का प्लान बनाया और उसका वीडियो देखा। लंकेश के हत्या के साजिश का प्लान बनाना 2010 से ही शुरू हुआ था और अमोल काले इस हत्या का मास्टरमाइंड है। परशुराम बागमोरे शूटर और गणेश ड्राइवर था, जबकि बाकी लोगों ने रैकी की और फिर उसके घर के आसपास पहुंचने के लिए गाड़ी का व्यवस्था किया। इसके बाद 5 सितंबर 2017 को बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश के घर के बाहर ही 3 मोटरसाइकिल और बंदूकधारी लोगों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। एक विशेष अदालत जांच के लिए स्थापित की गई 9 अक्टूबर 2024 को। अब दो जो आरोपी थे उन्हें भी जमानत दे दिया गया। 11 अक्टूबर को अब वो दोनों बाहर आए। आरोपियों को जमानत दिए जाने के बाद गौरी लंकेश के बहन और इस मामले के शिकायतकर्ता कविता लंकेश ने कहा कि बलात्कारियों को माला पहनाई जा रही है और इन लोगों को बधाई दी जा रही है। हमारा समाज कहां पहुंच गया है? कविता का इशारा गोधरा कांड के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा के शिकार बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप के दोषियों को रिहाई के बाद बधाई की ओर था। And it's vile. It's the whole atmosphere they are creating is out of viciousness, you know. Because I think they are not at all acquitted still. They're just out on bail, which they forget. And this is what they should remember first. And if they get acquitted, they'll have to go back. And in the meantime, if they're getting honored, see, this is the time we fear the society we are living in. In UP, Bilkis Bano, people get, the accused get rousing welcome, like you said. Rapists they are, murderers they are, and they get rousing welcome there. We are from the Sangh Parivar and offshoot of those people. Ignoring all this, if the Sangh Parivar people are honoring them, so you can understand the state of mind they are in. हालांकि रिहाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए दोषियों को फिर से जेल भेज दिया था। गौरी लंकेश केस में जमानत की वजह भी समझ लीजिए कि 18 आरोपियों में 16 को जमानत मिल गई है और इसका मुख्य वजह बताया जा रहा है ट्रायल में देरी।
चार्जशीट में 527 गवाहों में से अब तक 140 से पूछताछ की जा चुकी है और आने वाले समय में ऐसा कहा गया है कि इस केस को खत्म होने की कोई नौबत ही नहीं दिख रही। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मोहन नायक उर्फ संपूजी को जमानत दे दी और इसमें जो अभियुक्त पक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद नवीन कुमार अमित और सुरेश एचएल को भी जुलाई 2024 में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। उसके बाद भरत श्रीकांत सुजीत कुमार सुधाना को भी सितंबर 2024 में जमानत दे दी गई। पिछले हफ्ते 9 अक्टूबर को सेशन कोर्ट ने बागमोरे और यादव सहित 8 आरोपियों को जमानत दे दी। आरोपियों में जिन जिनको जमानत मिला उसमें राजेश वासुदेव, सूर्यवंशी समेत गणेश मिल्केस और अमित रामचंद्रन भी शामिल हैं। विकास पटेल उर्फ दादा उर्फ निहाल अभी भी फरार है। दो अन्य आरोपी कोर्ट में अब तक सरेंडर ही नहीं किया। सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता BNS जो पहले IPC और इसके अलावा IPC के कई धाराओं के तहत मर्डर का भी चार्ज है और इन सब में केस दर्ज किया गया। लेकिन कोर्ट ने अभी जितने भी 18 अभियुक्त थे उनमें से 16 को जमानत दे दी है। इसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि अभी आरोपित हैं, कोर्ट ने दोषी करार नहीं दिया, केस चल रही है, लेकिन उसे जमानत पर रिहाई के बाद ही उनका स्वागत भव्य तरीके से किया जा रहा है। उसमें भी मंदिर में माला पहनाकर फूल माला ढोल नगाड़े के साथ आरोपियों को जमानत के बाद स्वागत करना कहां तक उचित बैठता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।